ಖುಷಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ये भगवान भी बड़े कौतुक करते हैं, आए तो प्रकांड विद्वान के आगे ना आए, तपस्वी तपस्या करते करते मर जाते हैं, और आए तो एक मूर्ख के आगे, मूड़ के आगे प्रकट हो जाए, फिर उससे ये खेलते भी हैं। सुनिएगा, आज से करीब 250 साल पहले ये घटना घटी। जाट फैमिली थी एक, बहुत पैसे वाले लोग थे वो, मगर ये भोला जो लड़का था उसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, उसकी दौलत पे उसके ताऊ की नज़र पड़ जाती है, बैलों की तरीके से काम लेता था, मगर भोला में एक ऐब था। क्या ऐब था पहले सुन लो, बाद में होगा समझान। वो ठंडे लग रही है, क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। सुनिएगा ये नया वचन, महामंत्र का जाप तो कर ही सकते हैं। जय राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान, सुनो लगा के भक्तों ध्यान, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जन से परेशान, मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान, ताऊ था उसका हैवान, ताऊ था उसका हैवान। छोड़ के वो परिवार को लड़का पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम। कहां पहुंचा? उसका नाम तो भूला क्या? उसमें एक ऐब था, ऐब क्यों निकाला घर वालों ने, क्यों छोड़ के आया, आंधी हो गया था। ये ऐब था वो चरू बहुत था, यानी चरू को कहते हैं अधिक खाना खाने वाला। यादव जी दिन में 10 बार खाए, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल, एक दिन ताऊ ने देखा आया लात मारी, बोले काम काना काज का सोमन नाच का, चटको यहां से। छोड़ के वो परिवार को लड़का पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम। 3 रात 3 दिन पहुंचने में लगे हरियाणा से। अब वो चरू था बेचारा, पैसे है नहीं, भूख लग रही है बड़ी तेज। अब उसने देखा है गुरुजी महात्मा को, महात्मा बोलते ढील डोल वाले हट्टे खट्टे, बोलो ये जुगाड़ ठीक है। एक गुरु जी मिले हैं उसको, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर
गुरुजी? बोले हाँ बच्चा। चेला हमें बना लो अपना, पैर दबाऊं शुभ हो शाम, पैर दबाओ शुभ हो शाम, पैर दबाओ शुभ हो शाम। बोले गुरुजी? बोले हाँ, हमको चेला बना लो। बोले चेला बना लो, कहाँ से आए? बोले हरियाणा से आया हूँ। बोले बन जाओ। देखे उसने चेले गुरु के, उनके साथ में 1500 चेले भी थे, वो भी हट्टे खट्टे थे। मन में सोचने लगा ये सब पहलवान है, दिन में कई बार खाते होंगे, समझना बात को, उसकी भावना, दिन में कई बार खाते होंगे, इन्हीं को पकड़ लो, यही जुगाड़ ठीक है, ताऊ से अच्छा है, पिटने से अच्छा है, इनके यही कुछ कर लूंगा। देखे उसने चेले गुरु के डील डॉल में भरे हुए, डील डॉल में भरे हुए, डील डॉल में भरे हुए। सोचने लगा या भूख से चूहे कूद रहे हैं, ये भोजन से चले हुए, ये भोजन से चले हुए, ये भोजन से चले हुए। गुरुजी ने चेला बना लिया। अब बोला गुरुजी जेमे को कितने बार मिलेगा खाने को? ले भंडारा है ठाकुर जी का, ये हकीकत सुना रहा हूँ एक, ये मैंने कहानी ली थी गीता प्रेस गोरखपुर से, बुक निकली थी, एक लोटा पानी 10 कहानी थी, ये मुझे बहुत पसंद आई, इसमें मेरे आंसू भी आ गए थे। अब गुरु जी ने कहा भाई ऐसा है तेरी मर्जी है जितने बार खा। बोले ये ठीक है, ये ठीक है, सुनिएगा। मगर गुरुजी बोले एक नौकरी करनी पड़ेगी, मरता क्या नहीं करता, कर लेंगे महाराज। गौशाला में करो नौकरी, कैया रोज घुमानी है, कैया रोज घुमानी है, कैया रोज घुमानी है। सांझ पड़े सारी कैया तुम्हें गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है। कोई रोज गैया ले जाए, घुमा घूम के ले आए। अब हुआ क्या, एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। चेला बोला गुरु से अपने, मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगे, मुझको भारी भूख लगे। बोला गुरुजी, गुरुजी बोला था ऐसे बोलता गुरुजी। बोले हाँ, आज बर्तन कैसे होते पड़े हुए महाराज, कोई मरवाएगा? बोले तुम्हें मालूम नहीं आज एकादशी है, और एकादशी को ना तो हम खाते हैं ना खाने देते हैं, ये नियम है। बोले महाराज ये धरो अपनी कंठी माला, हम तो भूख से मर जाएंगे, हमारा इंतजाम करो। महात्मा पहुंचे हुए साधु थे, हकीकत में पहुंचे हुए थे, सोचने लगे ये चरु आदमी है, जबरदस्ती से किसी खोपड़ी पर व्रत मत ला दो। बोले बंसी वारे की। बोले इधर आओ। बोले हाँ गुरुजी। भंडारे में जाओ, चुपके से जाना, कहना नहीं किसी से, आधी किलो आटा लो, 4 आलू लो, नमक मिर्च तेल घी जो भी है अनुसार लेके गैया को ले जाना, और वहीं पे जमुना जी पे ही भोजन बनाना, वहीं खाना, खाने से पहले भोग लगाना है ठाकुर जी का, ये कहना है आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बोलो राधे राधे। तो मरता क्या नहीं करता, पहुंच गया, गई आ गई भाड़ में, भूख लग रही है उसे। उसने 3 टिक्कड़ बनाए आधी किलो आटे में, कितने? 3। जैसे ही ये गस्सा तोड़ा, याद आ गई गुरुजी ने कही था भोग लगाना, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। दे दे दा। अब क्या बोला, मेरे शाम आइए, ये सब गाना क्या बोला, मुरली वाले आइए मेरे भोजन के भोग लगाइए, भगवान से बोला भगवान जी, भगवान जी ये मत सोचना आश्रम में 56 भोग बने होंगे, मां मिलेगा ठेंगा, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं। अरे 56 भोग नहीं मंदिर में,
छप्पन भोग नहीं मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे अरे रूखा सूखा यहीं पे खाए लो रूखा सूखा यहीं पे खाए लो नहीं रह जाओ भूखे रूखा सूखा यहीं पे खाए लो नहीं रह जाओ भूखे चलो जल्दी से आ जाओ मेरे श्याम आइए मुरली वाले आइए मेरे भोजन के भोग लगाइए बोलो बात भगवान को उसकी अच्छी लगी तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर ली नी पहचान भक्तो सरल भक्त के भाव देख के रीझ गए भगवान सरल भक्त के भाव देख के रीझ गए भगवान अब क्या हुआ फिर बोला मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए मेरे भोजन अब भगवान कौतुकी है कौतुक कर रहे हैं भगत से क्या सुन पुकार उस लड़के की तब काना दौड़े आए भगतो काना दौड़े आए भगतो काना दौड़े आए कौतुक किया प्रभु ने ऐसा संग राधा को लाए कौतुक किया प्रभु ने ऐसा संग राधा को लाए आँख खोली बोले एक भगवान जी की कई गुरु ने या तो दो दो आए बोला भगवान जी बोले हाँ ये कौन है बोले ये हमारी सहेली है किस लिए आए हैं बोले तुमने ही तो बुलाया था भोजन के भोग लगाई वो गलती हमसे ही हुई है अब तीन बनाए थे बोले कोई बात नहीं है प्रभु आओ पाओ पूरी एकादशी तो आधी तो हो ही जाएगी आज हमारे भगवान खा के जाने लगे बोले भगवान जी एक बात सुनो इंतजार मत कराया करो जल्दी से आ जाया करो क्या बोला जल्दी से आ जाए करो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो भक्त और भगवान की जय मुझे कहानी में चुष्ट आ रहा है थोड़ा सा सुन रोचक हो रही अब दूसरी एकादशी आए गुरु से बोला गुरु तुमने कही थी एक भगवान की माँ तो दो दो आते भोजन का सामग्री बढ़वाओ अब गुरु सोचने लगे शरू आदमी है बोले एक किलो आटा लेना आधी किलो आलू लेना नमक मिर्च घी तेल जो चाहिए वो ले जाओ पहुंच गया उनने कि दो तो वो आएंगे तो क्यों ना चार बनाऊं अब आँख खोली बना लिया बना के अब भोग लगा रहा है वही आवाज लगा दी मुरली वाले आइए राधे श्याम आइए संग सहेली लाइए मेरे भोजन के भोग लगाइए तैयारी में बैठे भगवान का आवाज लगाए लड़का उनका स्कूटर तो शुरू था बोले कब आवाज लगाए कब मैं रेस देखे जाओ बोलो भक्त और भगवान की तैयारी में बैठे भगवान का आवाज लगाए लड़का आवाज लगाए लड़का आवाज लगाए काना आए राधा आई एक यार को संग में लाए काना आए राधा आए यार को संग में लाए काना आए राधा आई संग सखा एक लाए एक को बुलाओ दो दो आते दो को बुलाओ तीन आते हैं ये भगवान जी जी कौन है भगवान बोल भगवान हंस रहे हैं अंदर ही अंदर आनंद ले रहे बोले हमारे मित्र हैं बोले बड़े विचित्र हैं ये तो किस लिए आए हैं बोले तुमने ही तो बुलाया बोले गलती हमारी आओ पाओ अब पाके जाने लगे बोले भगवान रुको 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 चुपके से बोला तुम्हारा ठेका लिया है पूरी खानदान का नहीं लिया है ध्यान रखना मैं भूखा रह जाता हूँ हर बार अच्छा एक बात बताओ अगली एकादशी पे कितने आओगे पहले से ही बता जाओ उसी हिसाब से मैं इंतजाम रखूंगा भगवान बोले हम आ जाएंगे
जय राधे 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 एकासी आई। बोला गुरु जे रखो कंठी वाला हमारी एकासी हो जाती है। बोले क्यों, तुमने एक की कही थी दो आए, अब एक सखा और लाए तीन हो गए, अब मुझे लग रहा है पूरा खानदान आएगा, सामान बढ़वाओ। अब गुरु ने एक तीर फेंका, तीर वो सटीक लगा। बोले तुझे जितना चाहिए उतना ले जा। उसने 10 किलो आटा लिया, आलू घी तेल नमक मिर्च लिए। गुरु देख रहे थे, बोले इतना जे खा नहीं सकता है, पीछे चल के देखो किसी को बेचवास तो नहीं रहा है। अब पीछे पीछे गुरु आगे आगे चेला, अब चेला भी कौतुकी था यादव जी, वो चेला भी कम नहीं था, वो भोला नाम का कौतुकी था। वो सामग्री रख दी और आवाज लगा दी, राधे श्याम आइए, संग में सखा को लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। राधे श्याम आइए, कुल्ली वाले आइए, एक दोस्त लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब देखा भगवान जी के साथ पूरी टोली आ गई, मनसुखा अनसुखा जो भी घनसुखा उनके मित्र थे, उदामा सुदामा सखियां सब। बोले भाई भोजन कहाँ है? बोले हमने बनाया ही नहीं है। क्यों आवाज लगाई? हमें मालूम था ना खानदान आएगा, हमने बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया है? हमको मालूम थी, जब हमको मिलना ही नहीं है तो मेहनत का है वो करे। हमको मिलना ही नहीं है तो मेहनत क्यों करे भाई? खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, कुछ बच जाए तो हमको दे देना, हम यहां बैठे अजीब लगवा रही है उसकी। अब देखा तो ऋषि मुनि दौड़ते महात्मा आ रहे हैं, बोले भगवान हम भी है, हम भी है महाप्रसाद में। बोले हो गया काम, कुछ बचता तो ये नहीं बचने देंगे, कुछ बचता तो ये ऋषि मुनि नहीं बचने देंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय। सारी टोली मंडली आई भगवान की। बोलो क्या करें? बोले भगत की इच्छा है भाई पूरी की जाए। अब ना चूल्हा है, ना चाकर है, ना कढ़ैया है, ना बनाने वाले है, ना दोने है, ना पत्तल है, ना लकड़ी है। अब कैसे इंतजाम हो? तो क्या हुआ सुनिएगा। कौर दे दो मेजर। अरे मन सुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, मन सुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। दोने पत्तल नहीं थे। देखो बलदाऊ, देखो बलदाऊ साधन जुटाने लगे, आए जुटाने लगे, और कान्हा भी मन में मुस्काने लगे, मुस्काने लगे। सुनना, रोंगटे खड़े हो जाए। गुरुजी छुप के देख रहे थे, गुरु देख रहे थे चेले को, चेला बैठा पाया है, सामग्री रखी चौकी तो भोजन क्यों ना बनाया है। बोले तू तो कहता था वो भगवान आते हैं, ये सामग्री रखी हुई है,
ले गुरु जी मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये भोजन बन तो रहा है, सहेली उनकी भोजन बना रही है और जो सखियां आटा गूंद रही है, पूरी बनने पकवान बनने, अर्थात गुरु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चेले को सब दिखाई दे रहा था, बोल भक्त और भगवान की जय। गुरु को कुछ नजर नहीं आ रहा। बोले अच्छा अपने अपने भगवान से पूछ मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे अपने। बोला बोला भगवान जी एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछो। दो पूछो। बोले नहीं एक बात पूछूं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं मुझे मुझे दिख रहे हो, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे। भगवान बोले मैं दिखाई दूंगा भी नहीं। बोले क्यों? कि जितना सरल तू है उतने सरल तेरे गुरु नहीं है। जितना सरल तू है तेरे भाव। अब पहुंच गया। बोला भगवान जी कह रहे हैं गुरु जी जितना सरल मैं हूं उतने तुम नहीं हो। इतना सुना गुरु रोने लगे, पूरी जिंदगी हो गई मुझे ठाकुर जी की सेवा में, ज्ञान तो मैंने प्राप्त किया मगर मैं उनको मना नहीं पाया, क्योंकि तो भावना का भाव क्या है? भावना बेभाव है। भावना का भाव कर ले जग में किसकी ताव है। भावना भगवान का दर्शन कराती है भाव से, और भावना में प्रेम का अंकुर ही तो सद्भाव है भाई, और है ही क्या। अब गुरु रो रहे हैं तो चेला भी रो पड़ा। भोला भाला था। बोला भगवान जी गुरु जी रो रहे हैं उनको दर्शन दो। बोले नहीं दूंगा। तो लड़ बैठा भगवान से। क्या गुरु जी है मेरे सर्वश्रेष्ठ। बोले मानता हूं सर्वश्रेष्ठ है, भजनानंदी है, ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है। बोले मेरी सुनो भगवान। गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने ही पता बतलाया है, मैं क्या जानता आपको भगवान गुरु ने ही मिलवाया है। दर्शन दिए आपने इनको भी दर्शन दीजिए, और भरत सिंह के संग बावरा पे भी कृपा कर दीजिए। बात वही आ गई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल भले टल जाए परंतु दास का मानना टलते देखा। चतुर्भुजी रूप में आकर के उसने उनको गुरु को भी दर्शन दिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु कैसा भी हो, गुरु की निंदा करना भी पाप है और सुनना तो घोर पाप है। दोनों हाथ उठा लो। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।